तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट, और आज हम बात करेंगे जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म सरकार 3 के बारे में। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा की हिट सीरीज सरकार का तीसरा पार्ट है, जिसमें अमिताभ बच्चन एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि मनोज वाजपेयी, यामी गौतम, जैकी श्रॉफ और अमित सांध भी फिल्म में उनका साथ देते नजर आएंगे। फिल्म का पहला पोस्टर इन 5 कलाकारों की कोलार्ज इमेज से तैयार किया गया था, जो कि काफी चर्चित हुआ। इसके साथ ही फिल्म की टैगलाइन है एंग्रियर देन एवर। ये फिल्म 12 मई को रिलीज होने वाली है, और फिल्म का पहला ट्रेलर जहां अमिताभ बच्चन और अमित सांध पर फोकस करके बनाया गया था, वहीं दूसरा ट्रेलर फिल्म के बाकी किरदारों से रूबरू कराता है। यामी गौतम भी ग्रे शेड में नजर आ रही हैं, मनोज वाजपेयी, जैकी श्रॉफ और रौनित राय का किरदार भी काफी दमदार लग रहा है। वहीं दूसरे ट्रेलर में ये देखने को मिला कि कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार को तबाह करना चाहती हैं। ट्रेलर का हर एक सेकंड बेहद दिलचस्प है और कुछ सीन्स में आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। बात करें मनोज वाजपेयी के रोल की, तो वो एक क्रांतिकारी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिस्टम में हो रही गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जितना दमदार रिस्पांस ऑडियंस ने इस मूवी के ट्रेलर को दिया है, फिल्म भी उतना कमाल दिखा पाती है कि नहीं। तब तक आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, ताकि आपको मिल सके टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी सारी लेटेस्ट टॉप न्यूज से। रोहित की रिपोर्ट।